हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट आने वाला है। जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा, गोकुलधाम सोसाइटी के बाद टप्पू सेना ने जो भी होर्डिंग एंड पोस्टर लगवाए थे उन्हें चेंज करके कुछ लोगों ने उस पर यह लिख दिया, गोकुलधाम सोसाइटी में लगने वाली वैक्सीन फेक है, कोई भी गोकुलधाम सोसाइटी से वैक्सीन ना लगवाए, वहाँ पर वैक्सीन की जगह ग्लूकोज लगाया जा रहा है। और जब ये बात गोकुलधाम सोसाइटी में आकर टप्पू सेना सभी को बताती है तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमें चालू पांडे के पास कॉल करना चाहिए और जिसने भी ऐसी अफवाह फैलाई है उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। वेल दोस्तों, हम सभी को पता है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी फ्री में वैक्सीन लगवाए। अगर गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर ऐसे ही फ्री में वैक्सीन लगाते रहे तो ये लोग जो पैसे लेके वैक्सीन लगा रहे हैं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन गाइस, यहाँ पर चालू पांडे आकर गोकुलधाम सोसाइटी में गोकुलधाम के मेंबर्स को गलत समझ लेंगे। लेकिन गाइस, मेक श्योर यहाँ पर चालू पांडे को गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स समझा लेंगे कि वो लोग यहाँ पर सही वैक्सीन लगा रहे हैं और इस बात का सबूत ये डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर को वैक्सीन लगाई हुई है। और इन सब लोगों के समझाने के बाद चालू पांडे समझ जाएंगे। इसके बाद चालू पांडे पता लगाएंगे कि आखिर ये सारी अफवाह किसने फैलाई है। लेकिन गाइस, हमेशा की तरह एक बार फिर से चालू पांडे से पहले टप्पू सेना या फिर गोकुलधाम सोसाइटी का ही कोई मेंबर इस केस को सॉल्व कर लेगा। चालू पांडे को गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम की जानकारी मिलती है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर खुद ही हर बार केस सॉल्व कर लेते हैं और वैसा ही इस बार होने वाला है।